बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बशर्तिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काठमांडू में दूसरा दिन है। ये सारी इंडियन मिठाइयाँ हैं। फर्स्ट टाइम जो है मैं इंडियन मिठाइयाँ जो है वो ट्राई करूँगा, तो मैं सबसे पहले जो है ना वो राजस्थानी पेड़ा ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, मज़ेदार। खालिस खोया ही है ये तो, सारे वही है, खोया ही है। ये लड्डू है, ऐसा लड्डू पहले खाया, गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे जी मसाला चाय आ चुकी है। जबरदस्त, हल्के फुल्के मसाला है, पर हैवी नहीं है। हाँ जी, जबरदस्त चाय, जबरदस्त। यहाँ पे समोसे भी हैं, इधर बनेगी पूरी। तो यहाँ पे पूरी है और साथ में जनाब आलू मटर की सब्जी है। इंडियन पूरी और सब्जी जो है बहुत सुनी हुई है, आज पहली दफा ट्राई करेंगे। और पूरियाँ जो हैं, पूरियाँ होती हैं वो छोटी-छोटी। जी जी जी, पाकिस्तान की देखता बड़ी बड़ी होती हैं। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग, जबरदस्त पूरी। तो पूरी है जो सब्जी है ना, ये भी कमाल की है। चटपटी है, चटपटी ही चाहिए थी। पहले मिठाई खाई है ना, तो उसके बाद कुछ चटपटा होना चाहिए था। सब्जी इतनी मज़े की है कि मैंने सारी सब्जी खा लिया और अभी एक पूरी जो है वो बाकी है। भाईजान के पास सब्जी है और पूरियां ख़त्म हो गई हैं। मज़े का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। धन्यवाद समीर भाई के लिए पूरी आ चुकी है। नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी है। नहीं, ये आप नहीं खानी है, दो आपके लिए। सब्जी बहुत ही मज़े की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ते के बाद हम निकल आए हैं बाहर बाज़ार में। यहाँ पे मोमोज जो है ना बहुत फेमस हैं, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो मोमोज हैं। तो वो भी ज़रूर यहाँ पे ट्राई करेंगे। कहीं भी चले जाए, नेपाली और मोमो को कभी अलग नहीं कर सकते। जी जी जी, ये इंद्र चौक है, इसको हम कहते हैं फतेह बाजार ना। जी जी जी, ये काठमांडू के सबसे पुराने मार्केट में से एक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये माला वगैरह इधर बनती हैं, बड़ी बारीकी का काम है। सबको खिलाए ना, सब भाइयों को दें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफी सारी मस्जिद हैं और अभी जामिया मस्जिद जो है वो जाएंगे। नेपाली जामिया मस्जिद, ये सारी मस्जिद की पार्किंग है। ये मदरसा है और इधर मस्जिद है जी। पुरानी मस्जिद ऐसी थी, अब नई मस्जिद ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जी बहुत बड़ी और प्यारी मस्जिद है। अजान की जगह है ये, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ से अजान जो है वो दी जाती है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो अजान दिया करते थे ना, मस्जिद के छत पे खड़े होके। मस्जिद के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जामिया मस्जिद है और बिल्कुल इससे नज़दीक ही कश्मीरी मस्जिद है, तो अभी उस तरफ चलेंगे, 5 मिनट की वॉक है बस। ये सड़क सीधी रॉयल पैलेस जाती है, दरबार मार्ग। मार्ग का मतलब रोड है और दरबार मतलब पैलेस। इंग्लिश में कहे तो पैलेस वो। कश्मीरी जामिया मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर दुआएं लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी ये सारा मदरसा है। अस्सलाम वालेकुम, ये सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये रॉयल पैलेस है। अभी म्यूजियम हो गया है। Thank you.
तो रोशन अली भाई ने जगह बताई हैं जहाँ पे तिब्बतन खाना जो है वो मिलेगा, मुस्लिम तिब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट तो पास ही है इधर। जी जी तो वहाँ जाके इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ऑथेंटिक तिब्बतन डिशेस। ऑथेंटिक तिब्बत का खाना अगर आपने खाना है तो आपने इस रेस्टोरेंट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक खाना मिलेगा और ये कश्मीरी मस्जिद और जामिया मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में है। लोमिन थोड़ा सा ऑयल डाला गया कढ़ाई में। तो मुनव्वर भाई की पसंद के खाने आज हम खाएंगे। ये अभी डाला हम गार्लिक, थोड़ा सा ऑयल हो गया जी, आपको एक एक करके जी, थोड़ा सा ऑयल हो गया, फिर गार्लिक हो गया जी, फिर आपका फ्लैट नूडल हो गया जी, जिंदाबाद। सिसम ऑयल, तिल का ऑयल है ये जी, हरा लहसुन है, हरा लहसुन है, हरा लहसुन जी जी, नमक, नमक डालेगा आपका पेपरकॉर्न, सॉस चिली सॉस, अब बारी है जी चिकन कीमे की। आप भी खाना खाएं हमारे साथ, हमारा रोजा है, हमारा रोजा है, अभी सवाल का भी हमारा साथ में लेमन आ गया जी, लेमन के साथ खाया जाएगा, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, लहसुन, ये चिकन की यखनी है, इसमें फिर से नूडल जाएंगे, थोड़ा पानी, फिर से हरा लहसुन, लहसुन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, पेपरकॉर्न सिचुआन जी जी, बस मसाला कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नमक, नमक जी, और जी, और ये हम लोग का मसाले का बेस जी, ये हर चीज में, हर चीज में ये जरूर डलेगा, ये पहले से मसाला का बेस बना हुआ रहता है जी जी जी, तो हर किस्म का मसाला डालने की जरूरत नहीं रहता है। और इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल करता है, तिल का तेल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन घर में हमारे अपने तिल हुए थे तो हमने वो तेल जो है वो खुद निकलवाया था, और उसके जो पराठे थे ना वो घर में बनाए जाते थे, बड़े मज़े के बनते थे। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च, यहाँ पे मोमोज बन रही हैं, चिकन मोमोज, अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा खाना आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मोमोज जो हैं इनसे शुरू करें, इनसे करें बिस्मिल्लाह जी, करें शुरू मोमोज भी मजे की हैं, और जो सॉस है ना वो भी कमाल है। तो ये आपकी तीखी वाली चटनी है, आज की बात मजा दुबाला हो गया ले जी। माशाल्लाह, आपने तीखा खाना है तो वो चटनी डाल लें, नॉर्मल खाना है तो इसी चटनी में। बहुत जबरदस्त, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
नूडल्स बहुत दफ़ा खाई हैं, मोमोज भी काफ़ी दफ़ा खाई हैं, पर इनका कोई जवाब नहीं है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो सिंपल हाल है, इसमें मिक्स कर लें। जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। मोमोज भी ख़त्म हुई हैं तो छोड़ी हैं, ये नूडल्स भी ऐसे ही लग रहा है ख़त्म होंगी तो छोड़ूंगा। ज़बरदस्त भाईजान, आपने कमाल कर दिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ ये धन्यवाद, नेपाली जी जी जी, बिस्मिल्लाह। लेमन निचोड़ेंगे, 14 वर्ष बचे बर्गर किसको? लेमन डालने से जो खटास आई है ना उसने कमाल कर दिया। इसमें जरूरत नहीं है स्पाइसी सॉस डालने की। जिस भी डिश को हाथ लगाएंगे वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। सारे लाजवाब, 10 out of 10। बहुत मज़ेदार भाईजान, ये ट्राई करें एक दफ़ा। भाई वाकई में मास्टर शेफ हैं माशाल्लाह। धन्यवाद भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना बहुत ज़्यादा खाया लेकिन वो हैवी नहीं हुआ है, ज़्यादा ऑयल नहीं था खाने में, मज़े का खाना था। जो खाना खाने से तसल्ली होती है ना वो वाला खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम एक पहाड़ पे हैं और यहाँ से पूरे काठमांडू का व्यू जो है आपको मिलता है। या मिक्स वाला ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके फेवरेट तरबूज है मुझे पता है। जी जी जी। पाइनएप्पल। बंदर बच्चे से कुल्फी छीन के ले गया। नारियल पानी पियेंगे। ये श्रीलंका में मैंने पिया था लेकिन वहाँ पे फ्रेश था, जैसे ही दरख्तों के साथ ही उन्होंने रोड साइड पे लगाए हुए थे, बिल्कुल फ्रेश। और ये ठंडा हो फिर भी टेस्ट बदल जाता है, अभी थोड़ा गर्म है ना तो जो फ्रेश है ना उसका टेस्ट अलग है। यहाँ पे लस्सी बन रही है, ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही इधर कब्रिस्तान है। ये कब्रें हैं यहाँ पे, अहमदीन 2003। अभी नेपाल का कौन सा सन चल रहा है? 2081 2081 चल रहा है। तो ये सारे जो उसी कैलेंडर के हिसाब से है, यानी कि 2022 मतलब ये 2 साल पहले वाली नहीं, ये 60 साल पुराने कब्रें हैं। जी जी जी। तो इस वक्त नेपाल में हम 2081 में हैं। 2081 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 2047 उसको ट्रांसलेट करते 1991 बन जाता है, लेकिन जी 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 नेपाल में 2047। लेकिन अगर उस हिसाब से जाएंगे तो अभी आप पैदा नहीं हुए। ये सारा एरिया कब्रिस्तान के लिए है, ये सारी कब्रें और बड़ी तरतीब के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मस्जिद है और इसका भी एरिया काफ़ी बड़ा है। इस तरफ भी ये एरिया है। अभी एक कैफ़े पे आए हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आलू चौप, आलू की टिक्की है, ये ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है, बाहर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी नमाज़ें जो हैं वो डिफरेंट मसाजिद में अदा की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काठमांडू में बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं और मसाजिद के अलावा लोगों ने अपनी दुकानों के ऊपर ना छत पे नमाज के लिए जगह बनाई हुई है। तो इधर ये भी मस्जिद है, ये बिल्कुल बाज़ार के दरमियान में छोटी सी मस्जिद है। नमाज के बाद कुछ टी शर्ट्स और ट्राउज़र ख़रीदने हैं, दुकान में जाएँगे। ये दो शर्टें ली हैं 500 में, यहाँ पे ये शॉर्ट्स भी हैं 250 के।
रेंज ये वाली पकड़ है। कती भाई रात को इस तरह गलियों में स्टॉल जो हैं वो लग जाते हैं। ये मस्जिद है जी जो होटल के बिल्कुल नज़दीक है, और ये सारा बाज़ार जो है मुस्लिम बाज़ार है। यहाँ पे इकरा रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड सेंटर। तो अभी चिकन टिक्का जो है वो थोड़ा लगवाएंगे, इसके लिए कोयले जो हैं वो गर्म किए जा रहे हैं। चिकन टिक्का देखने में तो मज़े का लग रहा है। तो हमें यहाँ पे पाकिस्तानी भाई भी मिल चुके हैं, लाहौर से हैं। क्या नाम है भाई का? फैज़ान अहमद भाई हैं, ये लाहौर से हैं और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे जॉब करते हैं, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट पे। जिंदाबाद भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का दिन जो है बड़ा ही मज़ेदार गुजरा, क्योंकि बड़े मज़े मज़े के खाने जो हैं वो खाए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिर नए खानों के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों बीमारियों परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली जी असलम भाई हमें मिल चुके हैं इंडिया से। जी असलम भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो सोचा दिमाग में वो हो गया बैंकॉक से निकलने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जितना भी वो शुरू का जो ये रहा और फिर अभी का जो सफ़र है जी जी, वो देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। और बल्कि आप, आपके भाई, आपके वालिद, बल्कि आपके बच्चे, सारे लोगों को देख के तो एक गायबाना ताल्लुक समझिए कि एक रहा। और अल्लाह का शुक्र देखिए कि मुलाकात भी हो गई। जी जी, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह का खास करम है और माँ बाप की ही दुआएं हैं। जी जी, और जो मेरा मानना ये है कि इंसान के दिल में अगर घुसना हो जी तो खाना जो है वो एक जरिया है। और अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी जो है मतलब नियामत दी है कि आप, अल्लाह का ही करम है। बेशक बेशक, खासतौर से जो ऑर्गेनिक बेशक इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया असलम भाई। जी 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 जी, जज़ाकअल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।